गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इस तरीके से ऑरेंज एंड ब्लू टोन में फोटो को एडिटिंग करना सिखाएंगे लाइटरूम ऐप का यूज करके। देख पा रहे हो कि ये फोटो बहुत ही ज्यादा मस्त एडिट हुई है, इनके देखने में बहुत ही ज्यादा बवाल लग रही है। अगर आपको भी कुछ इस टाइप से फोटो को एडिटिंग करना सीखना है सिर्फ लाइटरूम ऐप का यूज करके, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग ना शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। इनके इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वन क्लिक में भी फोटो को एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले आपको लाइट रूम में अपने फोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइट के एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना है प्लस में 12% और हाईलाइट्स को यहाँ पे आपको डिक्रीज करके माइनस में 100 कर देना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे शैडोज मिल जाएगा, इसको आपको इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइस इंक्रीज करके यहाँ पर आपको 35% कर लेना है प्लस में, और यहाँ पे व्हाइट्स की वैल्यू आपको डिक्रीज कर देना है, और डिक्रीज करके यहाँ पे आपको 30 के अराउंड आपको रखना है व्हाइट्स को माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे 31% कर लेते हैं माइनस में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लैक्स, तो इसको आपको हल्का सा इंक्रीज कर देना है प्लस में 17%। उसके बाद यहाँ पर आपको जस्ट नीचे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और टेम्परेचर को इंक्रीज करके यहाँ पर 12% कर लेना है, और यहाँ पर आपको टिंट को भी इंक्रीज कर लेना है प्लस में 12%, ठीक है। और यहाँ से आपको वेवरेंस को इंक्रीज कर देना है, वेवरेंस को इंक्रीज करके यहाँ पर आपको 17% प्लस में कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, मिक्स टूल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ह्यू को पूरा डिक्रीज कर देना है माइनस में 100, और यहाँ पर सैचुरेशन को आपको पूरा इंक्रीज करके 100 कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको येलो कलर को सिलेक्ट कर देना है। येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ह्यू को वैल्यू पूरा आपको डिक्रीज करके माइनस में 100 कर देना है, और यहाँ पर सैचुरेशन की वैल्यू आपको पूरा इंक्रीज करके 100 कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सैचुरेशन की वैल्यू आपको हल्का सा डिक्रीज कर लेना है माइनस में 43%, और लुमिनस की वैल्यू आपको इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इंक्रीज करके यहाँ पर आपको 30% कर लेना है प्लस में। उसके बाद यहाँ पर आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। रेड कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे ह्यू की वैल्यू आपको डिक्रीज कर देना है माइनस में 34%, और लुमिनस की वैल्यू भी यहाँ पे आपको डिक्रीज कर देना है, ठीक है। और डिक्रीज करके माइनस में यहाँ पे 25% कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे सैचुरेशन की वैल्यू आपको पूरा इंक्रीज करके 100 कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसका भी सैचुरेशन आपको पूरा इंक्रीज करके 100 कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है, और यहाँ पर आपको एक ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा शैडोज, एंड गाइस यहाँ पे मिडटोन्स और यहाँ पे हाईलाइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शैडोज को सिलेक्ट कर देना है। शैडोज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग को आपको इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस को भी आपको हल्का सा इंक्रीज कर देना है 33% प्लस में। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, शैडोज को कुछ इस तरीके से पकड़ के हल्का से यहाँ पे आपको ब्लू के साइड में कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिडपॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे इसको भी आपको कुछ इस तरीके से ब्लू के साइड में हल्का सा कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको हाईलाइट्स को सिलेक्ट कर लेना है। हाईलाइट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसको ब्लू के साइड में कुछ इस तरीके से आपको इतना कर देना है, ठीक है। इतना यहाँ से आपको इतना कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज कर देना है प्लस में 10%, और क्लियरिटी की वैल्यू भी यहाँ पे आपको इंक्रीज कर देना है प्लस में 10%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका अमाउंट आपको डिक्रीज कर देना है, और डिक्रीज करके यहाँ पे माइनस में आपको 31% कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे मिड पॉइंट को भी आपको डिक्रीज करना है 37%। उसके बाद यहाँ पे फेदर को आपको इंक्रीज कर देना है 76%, और यहाँ पे राउंडनेस को भी आपको इंक्रीज कर देना है 71% प्लस में। उसके बाद यहाँ पे फोटो को HD क्वालिटी में एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है,
और यहाँ से आपको अमाउंट को इंक्रीज कर देना है 47% और मास्किंग को भी यहाँ से इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से 39% प्लस में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉइज रिडक्शन को पूरा इंक्रीज के 100 करना है और कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू यहाँ पे आपको हल्का सा इंक्रीज कर लेना है प्लस 35%। उसके बाद यहाँ पे कलर नॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कलर नॉइज रिडक्शन को आपको इंक्रीज कर देना है प्लस में 5% और सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा स्मूथनेस, इसको आपको पूरा इंक्रीज करके 100 करना है। स्मूथनेस को इंक्रीज करते ही आपकी फेस यहाँ पे फुल HD क्वालिटी में स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पर आप फोटो को देख सकते हो, हमारी फोटो फुल HD क्वालिटी में हो चुकी है। तो गाइस ऐसा फोटो वन क्लिक में एडिंग करना है तो आपको क्या करना है, इसका प्रीसेट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद यहां पे फोटो वन क्लिक में एडिटिंग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए यहां पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहां पे सेव कॉपी डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे क्लिक करते हमारी फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी फुल HD क्वालिटी में।